आप ये जानकर बिलीव नहीं करोगे कि अंटार्कटिका दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां बस दो एटीएम ही मौजूद है। और नताशा डेमकीमा एक ऐसी वुमन है जिनके पास एक स्पेशल विजन है जिससे वो ह्यूमन के अंदर उनके बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को देख सकती है। और किसी ने ये पार्किंग स्लॉट इसलिए खरीद लिया ताकि इसमें लगे इस ट्री को सेव किया जा सके। और क्या आप ये जानते हो कि आजकल ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में ट्रेंड करने वाला ये विनोद आखिर कौन है और ये रातों रात इतना फेमस कैसे बना? तो आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आप लिटरली उन पर यकीन नहीं कर पाओगे। तो आप लोग आज इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। नंबर 30, आप वैसलिन के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे मगर आपको ये बात हजम नहीं होगी कि वैसलिन के इन्वेंटर रॉबर्ट चीज़ब्रॉक को अपने प्रोडक्ट पर इतना यकीन था कि वो इसे रोजाना एक चम्मच खाते थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो इसे ही खाकर 96 इयर्स तक जिंदा रहे। सच में अगर ये फैक्ट न्यूज वालों को पता चल जाए तो बेचारे बाबा का च्यवनप्राश के बदले सब इसे ही खरीदेंगे। बट बाय द वे इट इज नॉट टोटली सेफ सो डोंट ट्राई टू ईट इट। नंबर 29, इनसे मिलिए। ये है कैसिडे पेकॉल और ये सिर्फ 27 इयर्स की है मगर सबसे अनबिलीवेबल बात तो ये है कि ये ऐसी पहली वुमन और यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने सिर्फ 18.5 मंथ्स में ही दुनिया के हर कंट्री को विजिट किया है। पर आपके दिमाग में ये तो सवाल जरूर आया होगा कि इतने कंट्रीज को विजिट करने के लिए उनको पैसे और पासपोर्ट कैसे मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये एक अमेरिकन ऑथर, ट्रैवलर, एक्टिविस्ट और साथ में स्किल्ड स्पीकर भी है, इसलिए इनको पैसे की कमी कैसे हो सकती है। नंबर 28, जैसे अभी 2020 में COVID-19 की वजह से सभी क्वारंटीन में है, ठीक वैसे ही 1665 में भी सभी ग्रेट प्लेग की वजह से क्वारंटीन में थे। पर गजब का फैक्ट तो ये है कि 1665 के क्वारंटीन के दौरान सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। मे बी आइसोलेशन इज गुड फॉर क्रिएटिव आइडियाज। नंबर 27, एप्पल अपने गुड कैरेक्टर पॉलिसी को लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो किसी भी विलन को मूवीज के अंदर आईफोन के किसी मॉडल को यूज करने का परमिशन नहीं देती। उनके अनुसार ये लोगों को मैसेज देता है कि आईफोन इलीगल एंड डेंजरस है। नंबर 26, आप जब अपने स्मार्टफोन्स पर गूगल के थ्रू कुछ सर्च करते होगे तो कई बार आपने कई वेबसाइट्स के बगल में ये इलेक्ट्रिकल सिंबल तो देखा ही होगा मगर आप में से लगभग ना के बराबर लोगों को ही उसके पर्पस के बारे में मालूम होगा। दरअसल ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस यानी AMP सिंबल्स होते हैं और ये गूगल ने इसलिए डिजाइन किया है ताकि फेमस वेबसाइट्स को आप अपने फोन से इजीली एंड फास्टली ओपन कर पाओ। नंबर 25, ब्लू व्हेल प्रेजेंट टाइम में इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर कितना बड़ा एनिमल है, अगर किसी दिन ब्लू व्हेल किसी पब्लिक प्लेस में आ जाए तो कैसा लगेगा? जरा आप इस कंपेयर्ड इमेज को देखो, इसमें ह्यूमन के साइज से एक ब्लू व्हेल के साइज को कंपेयर किया गया है और बस आप इसी से इमेजिन कर लो कि अगर किसी दिन ये हमारे सोसाइटी में आ गया तो कितना बड़ा लगेगा। नंबर 24, ये आपके माइंडसेट के रिगार्डिंग एक बहुत ही मस्त एग्जांपल है तो इसे आप ध्यान से सुनना। जैसा कि आप जानते हो कि आयरन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता लेकिन अगर कर सकता है तो सिर्फ उसका ही रस्ट, वैसे ही कोई भी चीज किसी पर्सन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और अगर कर सकता है तो सिर्फ उसका ही माइंडसेट। इसलिए आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव बनाए रखना। नंबर 23, सूरत में एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है 24 कैरेट मिठाई मैजिक और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इन्होंने अपने नाम को इतना सीरियसली ले लिया कि ये अब अपनी मिठाइयों के ऊपर 24 कैरेट प्योर गोल्ड लीफ का कवर लगाते हैं जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से इस 1 kg मिठाई को लोगे तो उसके आपको 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से तो जो इसे खरीदता होगा उसका कुछ ऐसा हाल होगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। नंबर 22, आज आपको मैं एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ फैशन डिजाइनर्स ही यूज करते हैं। सुनो,
आप जब भी कोई ड्रेस पहनते हो तो हमेशा उसी कलर की बेल्ट पहनना जो आपके शू के कलर की हो। इससे आपका लुक सडनली इन्हेंस हो जाएगा और आप ज्यादा कूल दिखोगे। नंबर 21, नेचर गॉड का दिया हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है, हमें जितना हो सके इसकी देखभाल करनी चाहिए। कुछ इसी तरह का मैसेज हमें ये होली प्लेस भी देता है जो जापान में है और जिसका नाम है हिल ऑफ बुद्धा। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके बीच में बुद्धा की स्टैच्यू के पास 1.5 लाख लैवेंडर प्लांट्स को प्लांट किया गया है ताकि गॉड के साथ हम नेचर की भी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। नंबर 20, एक बार किसी ने स्टैनली को चैलेंज कर दिया कि आप ऐसा कॉमिक हीरो बनाओ जिसकी पर्सनालिटी को कोई भी लाइक ना करना चाहे, पर फिर भी उस हीरो को सभी लाइक करें। तो पता है स्टैनली ने एक ऐसा ही हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो बना दिया और उसका नाम है आयरन मैन। जस्ट इनक्रेडिबल। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आयरन मैन का कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है। नंबर 19, जैसा कि हम जानते हैं कि दो देशों के बीच वॉर तब होता है जब उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मगर आप ये जानकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे कि एक बार सिर्फ एक रोमन सोल्जर के फाट की वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी जिसमें 10,000 लोगों की मौत भी हो गई थी। आई कांट बिलीव फाट हैज मोर पावर देन बॉम्ब। नंबर 18, सोलर पैनल्स की इम्पोर्टेंस को हम सभी जानते हैं, खासकर उन रूरल एरियाज में जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है, और इसी सोलर पैनल्स को अब मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने और अपग्रेड कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा सोलर पैनल क्रिएट किया है जो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लास को भी इजीली रिप्लेस कर सकता है, और तो और जिस बिल्डिंग में ये लगेगा उसको डे टाइम में सफिशियंट इलेक्ट्रिक पावर भी प्रोवाइड कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके एक्स्ट्रा पावर को बैटरीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं जो रात में बिल्डिंग को पावर देगा। लिटरली माइंड ब्लोइंग आइडिया। नंबर 17, दुनिया में बहुत से अलग अलग कंट्रीज के पास अपने खुद के स्पेशल फोर्सेस होते हैं जिनसे सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क ही करवाया जाता है। जैसे इंडिया में मार्कस, पैरा कमांडोस, कोबरा जैसे डेंजरस स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं। मगर आप जरा इस डेंजरस फोर्स को देखिए, देखने से ही कोई डेंजरस आतंकवादी लग रहे हैं, मगर ये डेनिश के स्पेशल फोर्स फ्रॉग मैन है और ये अपना ज्यादातर काम को पानी में छिपकर अंजाम देते हैं। नंबर 16, अब जो फैक्ट आप जानने वाले हो वो आपको बहुत ही इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। 1997 में एक वक्त ऐसा भी था जब एप्पल के स्टॉक्स $1 से भी कम में खरीदे जा सकते थे, यानी उस समय एप्पल लगभग बैंकरप्ट हो गया था। मगर आज अकेले एप्पल की इतनी वैल्यू है कि वो 2 फेसबुक, 7 नेटफ्लिक्स और 42 ट्विटर्स जैसे कंपनीज को खरीद सकता है। इसलिए जरूरी नहीं जो सिचुएशन आपकी अभी है वो आगे भी रहेगी, आगे क्या होगा ये बस आपके प्रेजेंट डिसीजंस पर डिपेंड करता है। नंबर 15, अगर आपके रूम में एसी नहीं है फिर भी आपको एसी जैसी ठंडी हवा चाहिए तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हो। आप कुछ आइस क्यूब्स को जमा करके एक कंटेनर में रख लो और सोते समय इस टेबल फैन के सामने रख देना। ये आपके रूम में आइस की कूलनेस फैला देगा और आपका रूम समय में सोने के लिए रेडी हो जाएगा। नंबर 14, एक छोटी सी चिंगारी कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा लो। ये लेबनान का कैपिटल बेरूत में हुए ब्लास्ट की इमेज है जो कुछ ऐसी लगती है अभी के टाइम में, लेकिन इससे पहले ये ब्लास्ट के पहले ये कुछ ऐसा लगता था, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता था पहले के टाइम में। दरअसल इस जगह पर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था जिसमें 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट था और बस एक छोटी सी चिंगारी से इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। नंबर 13, अगर आप इस वीडियो को YouTube के डेस्कटॉप मोड में देख रहे हो तो आप 1, 2, 3 या फिर कोई भी नंबर को कीबोर्ड से टाइप करके उस वीडियो के 10%, 20% या 30% पार्ट को देखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जब आप कीबोर्ड पर 2 प्रेस करोगे तो आप वीडियो के 20% पार्ट पर पहुंच जाओगे, पर आप ये सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही कर सकते हो, ना कि एंड्रॉइड में। नंबर 12, ये क्रिएटिव आइडिया इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपको भी ये जानना चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई रोड बनता है तो उसको किसी सेलिब्रिटी या बिग पर्सनालिटी का नाम दिया जाता है, मगर इस आइडिया के अनुसार उन रोड्स को उनके बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम के साथ एड्रेस और मोबाइल नंबर भी मिलना चाहिए, जिससे वो कॉन्ट्रैक्टर कभी भी घटिया क्वालिटी की रोड बनाने की ना सोचे और हमारे इंडियन रोड्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो जाए। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 11, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब ऑस्ट्रेलिया की पहली पुलिस फोर्स बन रही थी तब उसमें 12 सबसे अच्छे बिहेवियर वाले क्रिमिनल्स को इंक्लूड किया गया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मानती थी कि एक क्रिमिनल के माइंडसेट को एक अच्छा क्रिमिनल ही समझ सकता है। नंबर 10, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दिल में अपने सोल्जर्स के लिए कितना ज्यादा रिस्पेक्ट है इसका अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा लेना। ये इमेज उस वक्त का है जब व्लादिमीर पुतिन उस सोल्जर के टूम के पास खड़े थे जो किसी वॉर में शहीद हो गया था, और इसी वक्त अचानक से बारिश शुरू हो गई। पर जब व्लादिमीर पुतिन के पास अम्ब्रेला मैन आया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, ये सोल्जर बिना बारिश की चिंता किए हुए किसी भी वेदर में हमारे लिए लड़ सकते हैं, तो क्या हम इसके लिए थोड़ी देर बारिश में इसके टूम के पास खड़े नहीं रह सकते? हम किसी शुगर से नहीं बने हैं जो इतनी जल्दी पिघल जाएंगे। नंबर 9, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो मून्स हैं उनको तो हम नेम कर लिए हैं, लेकिन हमारे अर्थ का जो खुद का मून है उसका नाम अभी तक नहीं पड़ा है। नंबर 8, धरती पर तो हम कितने सारे अमेजिंग वीडियो गेम्स खेलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा वीडियो गेम था जो पहली बार स्पेस में खेला गया था? वो गेम स्पेस के ही रिलेटेड था और उसका नाम था स्टार क्राफ्ट। दरअसल इसे नासा के एक एस्ट्रोनॉमर डैनियल बैरी ने अपने साथ स्पेस शटल मिशन STS-96 के दौरान ले गए थे और 1999 में पहली बार इसे उन्होंने स्पेस में खेला था। नंबर 7, दुनिया में अतरंगी कपल्स की कमी नहीं है और उन्हीं में से एक है ये कपल। इसमें जो पति है उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी की बात ना मानने के लिए पूरे 62 ईयर्स के लिए बहरा और गूंगा होने का नाटक किया। फ्रेंड्स, में भी जब ये बात पत्नी को पता चली होगी तो अंकल का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, कैसा लगा मेरा मजाक। और फिर आंटी ने तो अपना रिएक्शन डिवोर्स पेपर में ही दिखला दिया। बुढ़ापे में बेचारे अंकल को ये मजाक महंगा पड़ा। नंबर 6, अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसा हो तो क्या आप अपने आसपास वाले घरों को खरीदोगे या फिर आप अपना अलग से आलीशान बिल्डिंग बनाओगे? खैर, आपका तो पता नहीं, पर मार्क जकरबर्ग ने अपने पायरेसी को लेकर इतने सीरियस है कि इन्होंने पूरे $30 मिलियन देकर अपने घर के आसपास वाले चारों घरों को खरीद लिया। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी जगह है जहां सबसे कम लोग ही पहुंच पाए हैं तो मे बी आप लोगों में से कईयों का जवाब मून होगा, पर आप लिटरली में ये जानकर चौंक जाओगे कि वो जगह स्पेस नहीं बल्कि ओशन का डीपेस्ट प्लेस है, मैरियाना ट्रेंच, जिसमें अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं और चांद पर 12 लोग पहुंच पाए। नंबर 4, इस इमेज में दिख रहा ये स्वॉर्ड द स्वॉर्ड ऑफ हेवन है और ये नाम इसको इसलिए पड़ा क्योंकि ये आयरन या स्टील से ना बनकर 4 बिलियन पुराना रेयर मीटियोराइट से बना हुआ है। नंबर 3, आप मार्वल के थॉर को तो जरूर जानते ही होंगे जिसको एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने परफेक्टली प्ले किया है, मगर क्या आप इस शॉकिंग फैक्ट को जानते हो कि क्रिस हेम्सवर्थ जिन्होंने थॉर का रोल प्ले किया है उनका जन्म ट्यूजडे को हुआ था और ये वही वीक का डे है जिसका नाम नॉर्स गॉड ऑफ थंडर थॉर के नाम पर पड़ा है। लिटरली शॉकिंग। नंबर 2, सक्सेस रेट ऑफ मार्स मिशन यानी कि वो रेट जो बताता है कि कितने अटेम्प्ट में कोई कंट्री मार्स पर पहुंच पाया है, जिसमें यूएसए का 78%, रशिया का 33% और चाइना और जापान का 0% सक्सेस रेट है। पर आप ये जानकर बहुत प्राउड फील करोगे कि इसमें इंडिया टॉप पर है और हमारे इंडिया का सक्सेस रेट पूरे 100% है। नंबर 1, आपने अब तक की जिंदगी में कई नाम सुने होंगे, मगर जो नाम अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है विनोद।
पर क्या आप ये जानते हो कि क्या हुआ जो ये नाम कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया और रातों रात इतना फेमस हो गया। दरअसल ये सब शुरू हुआ था स्ले पॉइंट नाम के एक कॉमेडी यूट्यूब चैनल से, जिन्होंने 15 जुलाई को एक वीडियो बनाया था वाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज, और इसी में उन्होंने विनोद थरू के एक कमेंट विनोद का रोस्ट किया था। और बस उसके बाद क्या था, विनोद नाम के स्पैम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी फैलने लगा। मगर जैसे ही ये नाम वायरल हुआ वैसे ही इसके फेक अकाउंट बनने लगे, जिसकी वजह से ये कमेंट ओरिजिनली किसने किया ये अब तक नहीं पता चल पाया है। पर फ्रेंड्स, कुछ भी हो, ये विनोद की वजह से फॉरेन कंट्रीज के स्ट्रीम एंड यूट्यूबर्स को भी हम इंडियन की पावर का अंदाजा हो गया। डिवाइडेड बाय रिलीजन, कास्ट एंड स्टेट, बट यूनाइटेड बाय विनोद। और कमेंट बॉक्स में विनोद स्पैम करना मत भूलना। और हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है फिक्शन टीवी, उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।